हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आज से ऑनलाइन क्लास क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर थर्ड। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। आपको चेक करके बताना है कि गिवन नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल है और नहीं। तो आपको यस और नो में आंसर देना है, टेबल बनाकर। टेबल बनी हुई है ऑलरेडी, उसमें आपको यस और नो में आंसर देना है। लेकिन आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास 128 गिवन है। सबसे पहले इसका डिविजिबिलिटी रूल 2 हमने चेक किया, तो ऐसे कॉलम बना लेंगे बाय 2, बाय 3, बाय 4, बाय 5, बाय 6, बाय 8, बाय 9, बाय 10 एंड बाय 11। ऐसे आपको टेबल बना के आंसर राइट करने। तो सबसे पहले देखिए, हम 128 का डिविजिबिलिटी रूल 2 चेक करते हैं। जैसे कि हमने राइट किया था, इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया, सारे डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस कर रहे हैं। 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट नंबर में हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8 नजर आए, तो वो गिवन नंबर किससे डिविजिबल होगा, 2 से। तो इसमें लास्ट नंबर में 8, इट मीन्स इट इज जो ये 2 से डिविजिबल है, तो इसमें आप आंसर राइट करोगे यस। अब 3 से हम चेक करते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो गिवन नंबर है उन डिजिट का सम करने पर अगर वो 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। 1 to 8, 1 plus 2 plus 8, 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। 3, 8 plus 3, 11 में 3 का डिवाइड नहीं जा रहा, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो 3 से डिविजिबिलिटी रूल में आपके लिखोगे नो। 4 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है 128 को। 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट टू नंबर 28, लास्ट टू नंबर में अगर 4 का डिवाइड जा रहा है तो वो गिवन डिजिट 4 से डिविजिबल होगा, गिवन नंबर 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो 28 4 से डिविजिबल है, 4 7 28, सो दैट इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 4, इसमें आप आंसर राइट करोगे यस। 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट नंबर में 0 या 5 नजर आना चाहिए, इसमें लास्ट में क्या है 8, तो 5 से डिविजिबल ये नहीं होगा, इसमें हो गया नो। 6 से डिविजिबिलिटी रूल, 6 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, 6 के फैक्टर 2 और 3 होते हैं, 2 से भी यस होना चाहिए और 3 से भी यस होना चाहिए। अब 2 से तो यस है और 3 में नो, तो ओवरऑल क्या होगा ये नो। जैसे इससे पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग, और सारे रूल हम डिस्कस आपसे की कर चुके हैं। आपको वो सारे रूल याद होने चाहिए तभी आप कर पाओगे, ये शॉर्ट रूल है, आप तुरंत नंबर को देखकर बता सकते हो कि वो कौन, कि वो जो गिवन नंबर से डिविजिबल है या नहीं। अब देखिए 8 से चेक करना है, 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 8 से 4 जैसे ही होता है, लेकिन 4 में लास्ट के नंबर देखा जाता है और 8 से डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट के 3 नंबर्स में अगर वो 8 का डिवाइड जा रहा है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 128 में 8 का डिवाइड करते हैं, 128 में 8 का डिवाइड करते देखिए, 8 1 8 8 6 48, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर 0 बचा, तो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसमें आप राइट करोगे यस। 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 के जैसा ही होता है, जैसे आप गिवन नंबर 3 में हमने क्या किया था, गिवन नंबर जो होता है हमारे पास उनमें जो डिजिट है उसका सम करते हैं, ऐसे 9 में भी करना होगा, लेकिन वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 1 plus 2 plus 8 सम करने पर क्या आ रहा है 11, 11 9 से डिविजिबल नहीं है, तो 9 में आपके लिखोगे नो। बाय 10, 10 के डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट नंबर 0 होना चाहिए, लास्ट नंबर 8 है तो ये 10 से नहीं होगा, इसमें आप आंसर राइट करोगे नो। 11 से डिविजिबिलिटी रूल हमें चेक करना है 128। अब देखिए इसमें प्लेस वैल्यू राइट कर रहे थे 1 2 3, 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ऑड नंबर्स का जो प्लेस डिजिट है और इवन नंबर्स का प्लेस डिजिट, उनका अगर माइनस करें उनको,
तो या तो जीरो आना चाहिए या इलेवन से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए ये तो ऑड नंबर से वन और थ्री, और वन पर क्या है एट और थ्री पर क्या है वन, तो इसका सम किया माइनस, इवन नंबर प्लस पे टू है, तो एट प्लस वन क्या है नाइन, नाइन में से टू माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास सेवन आ रहा है। सेवन इलेवन से डिविजिबल नहीं होता, या तो जीरो आना चाहिए या फिर वो नंबर आना चाहिए जो इलेवन से डिविजिबल, यहाँ पर नंबर आ रहा है हमारे पास सेवन, तो इलेवन में भी क्या हो गया ये नौ हो गया 128। अब देखिए नेक्स्ट नंबर 990 को भी आप चेक करके देख सकते हो 990। लास्ट नंबर हमारे पास 0, 0, 2, 4, 6, 8 हो, 2 से डिविजिबल होगा तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा यस। तो नंबर हम ऐसे राइट कर सकते हैं 128 नंबर हमारे पास। नेक्स्ट नंबर हमारे पास कौन सा है 990 का चेक कर रहे हैं। 3 से डिविजिबल करो, 3 से जैसे गिवन डिजिट 9 प्लस 9 18, 18 में 3 का डिवाइड जा रहा है तो इसमें इसका आंसर होगा यस। 4 से डिविजिबल करो, लास्ट टू नंबर में 4 का डिवाइड जाना चाहिए, 90 में 4 का डिवाइड करते हैं, 4 टू जा 8 10, 4 टू जा 8 अगेन 2 रिमाइंडर बचा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है इट मींस नो। फाइव से चेक करते हैं लास्ट नंबर हमारे पास जीरो या फाइव होना चाहिए, फाइव तो इस लास्ट नंबर जीरो तो इसमें आएगा यस। सिक्स से टू और थ्री का दोनों का यस होना चाहिए, देखिए टू और थ्री का दोनों का यस है तो सिक्स से भी क्या होगा यस। एट से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट के थ्री नंबर में, लास्ट के थ्री नंबर में हमारे पास एट का डिवाइड जाना चाहिए, नाइन नाइन जीरो में हम एट का डिवाइड करते हैं, एट वन जो एट 19, 8 2 16, 3 8 3 24, completely divisible नहीं हुआ, remainder 6 बचा है हमारे पास तो इसमें 9 आया, 8 से 9, 9 से divisibility rule 3 के according sum करने पर जो given digit है sum करेंगे 9 plus 9 18, 18 plus 0 18, 18 में 9 का divide जा रहा है it is, so it is divisible by 9 यस, 9 से डिविजिबल यस। 10 से लास्ट में जीरो होना चाहिए, लास्ट में जीरो है तो यहाँ पर 10 से भी डिविजिबल होगा यस। 11 से डिविजिबल चेक करते हैं, नंबर हमारे पास 990 है, ये 1 प्लस ये हमारे पास 1 2 3 नंबर हमने कम डाल दिए। अब देखिए इसमें ऑड प्लस 1 एंड 3 है, उस पर डिजिट 0 एंड 9 है, 0 प्लस 9 किया हमने माइनस किया, इवन डिजिट इवन प्लेस पर जो डिजिट है वो 9 है पॉइंट, तो 9 0 प्लस 9 9, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, तो या तो 0 आना चाहिए, ऑड प्लेस डिजिट माइनस इवन प्लेस डिजिट दोनों को माइनस करने पर या तो 0 आना चाहिए या फिर वो डिजिट आना चाहिए जो 11 से डिवाइड हो, तो वो गिवन नंबर 11 से डिविजिबल होगा अदरवाइज नहीं होगा, तो इस केस में 0 आया तो यही यस। तो ऐसे ही बाकी भी क्वेश्चंस भी आपको करने इसी के अकॉर्डिंग टेबल बना दी, लेकिन आपको ऐसे सॉल्व करके फिर आंसर राइट करना।